गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न विद प्रो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास सीएस फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है जिनमें उनको पढ़ना है डाटा स्ट्रक्चर। आइए शुरू करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर एज पर द नेम सजेस्ट स्ट्रक्चर किसका डाटा का डिफिनेशन कहता है व्हेन इंडिविजुअल डेटा आइटम्स आर अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एज वन यूनिट देन वी कॉल सच एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एज डाटा स्ट्रक्चर। जब हम लोग इंडिविजुअल डेटा आइटम्स को अरेंज कर देते हैं ऑर्गेनाइज कर देते हैं एक साथ एक यूनिट में जिसके कारण क्या होता है वो ऑर्गेनाइज कलेक्शंस को रिट्राइव करने में डेटा आसानी होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग कहाँ होता है अब आप खुद से सोचिए किसी वैसे जगह के बारे में जहां पे बहुत सारा आइटम्स स्टोर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिग बाजार की बात करते हो तो बिग बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे आइटम्स होते हैं ठीक है। वहां पे एक कंप्यूटर पे बैठा हुआ आदमी एक सिंगल क्लिक से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आसानी से इकट्ठा कर सकता है। कौन सा प्रोडक्ट उसके स्टॉक में है या कौन सा अवेलेबल नहीं है वो आसानी से उसकी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। अगर ये जानकारी कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होता तो उसको फिजिकली जाकर के वहां देख के आना पड़ता या फिर उसको किसी रजिस्टर को देखना पड़ता। हो सकता है वैसे वैसे रजिस्टर की संख्या 10 हो 20 हो 25 हो उसको टाइम लगता और फिर वो एक्सेस करके बताता। साथ ही साथ अगर उस रजिस्टर में जो रिकॉर्ड है उसको अगर मॉडिफाई किया जाता तो फिर उस मॉडिफिकेशन को भी वहां रिकॉर्ड करना पड़ता। तो इन सभी झंझटों से बचने के लिए हमारी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई। लेकिन जब हम डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करेंगे तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए ताकि उसको जब हम एक्सेस करें तो वो आसानी से कर सके। ये डेटा स्ट्रक्चर का मेन गोल है। द फॉलोइंग ऑपरेशन आर डन ऑन डाटा स्ट्रक्चर। पहला क्या है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लबिंग जो अभी हमने बताया। एक्सेस टेक्निक मैनिपुलेटिंग सेक्शन फॉर इंफॉर्मेशन। अब ये बोलते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स हैं। पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब लाइन में। लीनियर का मतलब आप जानते हैं एक लाइन में एक सीध में। कहता है द वैल्यू आर अरेंज इन लीनियर फैशन। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में जो वैल्यू है वो लीनियर फैशन में स्टोर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरे आप लोग एरे पढ़ चुके होंगे सी लैंग्वेज में। लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्यूज। एरेज तो आप पढ़ चुके हैं लिंक लिस्ट नहीं पढ़े हैं स्टैक नहीं पढ़े हैं और क्यू नहीं पढ़े हैं। तो इन सभी की जानकारी आपको इस ट्यूटोरियल के माध्यम से दी जाएगी। नेक्स्ट है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। वैसा डेटा स्ट्रक्चर जो लीनियर नहीं हो। द डेटा वैल्यू इन स्ट्रक्चर आर नॉट अरेंज इन सिक्वेंशियल मैनर। वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा वैल्यू जो है वो सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर नहीं होते हैं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्री ग्राफ और सेट्स। दोस्तों ये जो मेरा नोट्स है अगर आपको चाहिए होगा ये मेरा नंबर है इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के नंबर पे आप मैसेज करेंगे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे आप उसको पढ़ेंगे और जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो समझाने में हमको आसानी होगी। अब नेक्स्ट है होमोजेनियस। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो द सेम डेटा टाइप्स सेम टाइप्स ऑफ डेटा। वैसा डेटा जो एक तरीके का हो जैसे एग्जाम्पल एरे। आप एरे जानते हैं एरे जब आप डिक्लेयर करते हैं और एरे में जब आप कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो आप देखते हैं अगर वो इंटीजर टाइप का एरे है तो केवल और केवल क्या इनपुट होगा उसमें इंटीजर होगा और कोई वैल्यू इनपुट नहीं होगा। तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को होमोजीनियस बोलते हैं। और नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस का कहना मतलब हो गया वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें अलग अलग वैल्यू को डाल सकते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर और क्लासेस। लास्ट क्लास में आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स एक जगह रह सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनियस। फिर डायनेमिक
स्टैटिक, डायनेमिक मतलब चेंज होते रहने वाला, जैसे पॉइंटर। स्टैटिक मतलब क्या होता है, एकदम वो जो बदले नहीं वो। फिर डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांटा गया, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर डेट नॉर्मली आर डायरेक्टेड ऑपरेटेड अपॉन बाय मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज से डायरेक्ट ऑपरेट किया जाता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, रियल, ये सब आप लोग डेटा के टाइप्स जानते हैं, डेटा टाइप जानते हैं, इन सभी को प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे प्रिमिटिव का मतलब होता है शुरुआती, और नॉन प्रिमिटिव मतलब सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा आप जानते हैं, सेकेंडरी डेटा टाइप आप जानते हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप इंटीजर रियल वगैरह कैरेक्टर जो है वो प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर आते हैं, उसी को यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रिमिटिव मतलब सेकेंडरी, यानी कि ये मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो ड्राइव्ड होता है किससे, प्राइमरी डेटा टाइप से, ठीक है। अब आप अपने सिलेबस में देखिएगा तो वहां होगा एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप तो आप समझते हैं, डेटा टाइप डेटा के प्रकार। जो प्राइमरी डेटा टाइप है इंटीजर रियल कैरेक्टर, ये प्राइमरी डेटा टाइप है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, गौर से समझिएगा, एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशन आप पढ़िएगा, हम अपने तरीके से इसको समझाते हैं। जब एक प्रोग्रामर को कोई भी वैल्यू यूज करना पड़ता है, आपको प्रोग्राम में जब उसको स्टोर करना पड़ता है तो उसको एक वेरिएबल की जरूरत होती है, ठीक है। ये वेरिएबल पहले से डिफाइंडेड होते हैं हर एक प्रोग्राम में, ये वेरिएबल के डेटा टाइप पहले से डिफाइंडेड होते हैं, वेरिएबल हमको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हमको कोई वेरिएबल डिफाइन करना है जिसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आईएनटी टाइप का ए, ऐसा वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। तो यहाँ पे ए हमने वेरिएबल का नाम दिया, लेकिन ये डेटा टाइप क्या है, पहले से डिफाइंडेड है आईएनटी, जो कि इंटीजर स्टोर करेगा। तो पहले से डिफाइंडेड डेटा टाइप्स मौजूद है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन तब क्या, जब प्रोग्रामर खुद का कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करना चाहता होगा, ठीक है। तो जब प्रोग्रामर खुद का कोई डेटा टाइप क्रिएट करना चाहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कस्टम डेटा टाइप, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इन सी एब्स्ट्रैक्ट एंड इन सी प्लस प्लस एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्ड कीवर्ड आर यूज टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अगर आप सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो आप एब्स्ट्रैक्ट का यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाने के लिए, और जब आप सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो या तो एब्स्ट्रैक्ट या क्लास का यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाना है, एक प्रोग्राम है आपके सामने, आपने यहाँ क्या लिखा है एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ क्या लिखा है डेट। ये एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। आप लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो स्ट्रक्चर एक तरीके का क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो गया। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट डेट हमने लिखा है, और इसको अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या पढ़ा था, ये हेट्रोजीनियस, क्या है ये, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप होता है। अब देखिए हेट्रोजीनियस क्या हुआ है, एक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर का छत है जिस स्ट्रक्चर का नाम डेट है, इसके अंदर इंटीजर, आप चाहे तो यहाँ पे फ्लोट, और आप चाहे तो यहाँ पे कैरेक्टर, तीन अलग अलग डेटा टाइप को यहाँ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम प्रोग्राम में तीनों इंटीजर ले रहे हैं क्योंकि हम खुद का एक डेटा टाइप बनाना चाह रहे थे, ठीक है। तो हमने एक डेटा टाइप बनाया स्ट्रक्ट टाइप का डेट, उसमें तीन वेरिएबल दिया है डीडी एमएम और वाईवाई। स्ट्रक्चर को बंद किया हमने, मेन प्रोग्राम शुरू किया। अब हम बोल रहे हैं स्ट्रक्ट डेट डी, अब इसको देख के आपको कुछ याद आना चाहिए, ठीक है। आपको क्या आना याद आना चाहिए, इसको देख करके आपको इसको देख करके साफ साफ याद आना चाहिए कुछ ऐसा, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, जब आप प्रोग्राम कोई बनाते हैं सिंपल, आप क्या लिखते हैं, आईएनटी टाइप का, आईएनटी टाइप का ए लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो वहां पे आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप आईएनटी टाइप का ए लिख रहे होते हैं तो आप क्या बताते हैं सिस्टम को, कि ए एक वेरिएबल का नाम है,
और INT क्या है? डेटा का टाइप है। यहां पे आप ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा? D। तो यहां का D और यहां का A सेम सेम नहीं लग रहा आपको? यहां का D और यहां का A, एक वेरिएबल का नाम है, और यहां का INT और यहां का स्ट्रक्ट टाइप का डेट, वो आपको एक तरीके का डेटा टाइप नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। ये INT सिस्टम डिफाइंडेड है और यहां में हमने खुद का बनाया है स्ट्रक्ट टाइप का डेट। ठीक है, स्ट्रक्ट टाइप का डेट। तो ये क्या, कौन सा डेटा टाइप कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब इसको आप आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, हमने लिखा डी के डीडी में डालो, यानी कि डी नाम का जो वेरिएबल है इसका जो डीडी है इसमें वैल्यू एंट्री करो। ठीक है, उसी तरीके डी के एमएम में डालो, तो डी के जो एमएम है उसमें एंट्री करो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर तो आप लोग को याद होगा ही, स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो हम थोड़ा सा यहां बता देते हैं आपको स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए यहां पर आपने डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट टाइप का डेट, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा? एक जगह रिजर्व होगा और उसका नाम क्या पड़ जाएगा? डेट। उसका नाम क्या पड़ जाएगा? डेट। अब जैसे ही आप इसका वेरिएबल, अच्छा, इस स्ट्रक्ट डेट का जो मेंबर वेरिएबल्स हैं उसका नाम क्या है? डीडी, एमएम और वाई। तो ये रहा डीडी, ये रहा एमएम और ये रहा वाई वाई के लिए। ठीक है, अब जैसे ही स्ट्रक्ट डेट का आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डी, तो डी क्या करेगा? इसका एक कॉपी बना लेगा। ठीक है, यहां पे डी क्या करेगा? उसका एक कॉपी बना लेगा। किसका? डेट का। तो डेट के अंदर क्या क्या है? डेट के अंदर है डीडी, एमएम और वाई वाई। अब जब आप कंप्यूटर सिस्टम में, जब आप यहां पे इनपुट करवाते हैं डी के डीडी में, डी डॉट डीडी आप लिखते हैं, तो एक्चुअली में आप इस वाले जगह पे इनपुट नहीं करवा रहे होते, बल्कि आप इनपुट करवा रहे होते हैं इस वाले जगह पे, डी के जगह पे। इसी तरीके से अगर आप डी के बाद कोई और एक वेरिएबल ले लें एम, और अगर आप लिखेंगे यहां पे एम आ जाएगा, और एम भी क्या करेगा? यहाँ एक M आ जाएगा और M क्या करेगा? इस DD का एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा और इसके अंदर भी क्या आ जाएगा? DD MM आ जाएगा। तो आप सिंपल एक बार वेरिएबल डिक्लेयर किए और इसके लिए भी और इसके लिए भी यूज कर लिया। आई होप सो कि आपको याद आ गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। फिर भी अगर आपको ये डिक्लेयर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट करेंगे, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्लियर है। नेक्स्ट है पॉइंटर। पॉइंटर आपको पता है पॉइंटर क्या होता है? ये वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज करता है, ये स्टोर करता है किसको? एड्रेस को। ठीक है, तो हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर यूनियन की चर्चा नहीं करेंगे। अब आपके सामने आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। सिलेबस में आपका नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से आप रूबरू हैं, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको देखना है, आपके एग्जामिनेशन में वो आना है। ठीक है, तो बहुत तरीके के कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको आपको देखना है, बट अभी नहीं देखेंगे हम लोग इसको, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद देखेंगे अगले वीडियो। एरे, एरे से तो आपका पाला पड़ चुके हैं, एरे आपको पता है? नहीं पता है तो हम बताते हैं। देखिए, जब आप सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं
जब आप एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं तो होता क्या है, आपको वेरिएबल्स की जरूरत होती है। आपने यहाँ पे ए बी सी तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, ठीक है, और आगे प्रोग्राम में इसका यूज करेंगे आप। ओके, ए के अंदर इनपुट करवाएंगे, बी के अंदर इनपुट करवाएंगे और सी के अंदर इनपुट करवाएंगे। चूंकि आपका प्रोग्राम बहुत छोटा था तो आपने तीन वेरिएबल का नाम ले लिया। अब आप बताइए अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। अगर आपके प्रोग्राम में 26 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो आप def करते जाएंगे एंड फ्रॉम। फिर क्या होगा अगर आपके प्रोग्राम में 260 वेरिएबल की जरूरत होगी, तो उस टाइम में हम लोग देखेंगे कि अगर वेरिएबल्स जो हमको चाहिए वो एक ही टाइप के हैं, सब इंटीजर ही है और हमको 50 वेरिएबल चाहिए, तो आपको ए बी सी डी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल नाम दें एक ही ए और उसको दे दें कितना स्पेस, 50। यहाँ पे नाम हो गया उसका ए और वो कितना मेमोरी कंज्यूम करके रखेगा, 50। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ही ऐसा लिखते हैं int टाइप का a 50, अभी 50 क्या 5 लेके आपको दिखाते हैं तो क्या होता है मेमोरी में, मेमोरी में एक ब्लॉक बनता है, ठीक है। एक मेमोरी ब्लॉक बनता है और ओके, आप अच्छे से समझ लीजिए, 5 मेमोरी ब्लॉक बन गया, 1 2 3 4 5, अच्छा 6 बन गया, सॉरी 1 2 3, 1 2 3 4 और 1 5। अभी जो पहला मेमोरी ब्लॉक है इसका नाम पड़ेगा, इसका इंडेक्सिंग होगा, इसका नाम पड़ेगा A0। नेक्स्ट का नाम पड़ जाएगा, इस ब्लॉक का नाम पड़ जाएगा A1। इसी तरीके से A2, A3 एंड सो ऑन, लास्ट वाले का नाम क्या हो जाएगा, A4, ठीक है। अब आप आसानी से देखिए, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तो आप क्या करते थे, आप लिखते थे int टाइप का A, B, C, ऐसा लिखते थे, तो तीन मेमोरी वेरिएबल वो डिक्लेयर करता होगा ब्लॉक, तीन मेमोरी वेरिएबल का ब्लॉक डिक्लेयर करता होगा, यू पहले का नाम क्या दे देता होगा ए, दूसरे का नाम क्या दे देता होगा बी, और तीसरे का नाम क्या दे देता होगा सी। तो आपको एक ही तरीके का वेरिएबल चाहिए था लेकिन आपको तीन बार नाम लिखना पड़ा, और यहाँ पे क्या चाहिए, नाम आपको लिखना पड़ा, एक ही नाम लिखना पड़ा, तो ये अच्छा होता है, ये होता है एरे, ठीक है। अब एरे के बारे में डिटेल से आपको तो पता ही होगा क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, उस पर कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे, एरे को पढ़ने पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि एरे आपके सी लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, और आप सी लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं करें कि बट हमारे हिसाब से तो वो पढ़ना आपको जरूरी है, बिना उसके नॉलेज के आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं एरे वाला पार्ट। शुरुआत करेंगे कहां से हम लोग, स्टैक एंड क्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैक होता क्या है, इसका डिफिनेशन आप पढ़िए, आपको जो डिफिनेशन है वो तो डिफिनेशन आप पढ़ेंगे ही, लेकिन हम आपको बताते हैं स्टैक होता क्या है। अगर आप हमसे पूछेंगे तो स्टैक कुछ और नहीं है, बिल्कुल एरे ही है, ठीक है, स्टैक इज नथिंग बट एन एरे। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, स्टैक इज नथिंग बट एन एरे, है ना। तो देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जो एरे आप डिक्लेयर करते हैं, आप जब डिक्लेयर कर देते हैं एरे, और जब आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की बात करते हैं, जब आप इस पे इनपुट करवाते हैं तो आप एक फॉर लूप लेते हैं, ठीक है, एक लूप लेते हैं, फॉर लूप, कोई लूप लेते हैं, और उस लूप को क्या बोलते हैं कि भैया
आप कुछ ऐसा बोलते हैं इसको लूप को, कि जो एरे बनाए हैं इसमें आप ऐसा लिखते हैं, लिखते हैं ना कि कीबोर्ड से जो इनपुट होगा, जो भी इनपुट होगा कीबोर्ड से, आप क्या करना, जो भी इनपुट होगा कीबोर्ड से उसको ए के एड्रेस पर रखना, और यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में वैल्यू है वो क्या है, आई। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आई का जो शुरुआती वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे शुरू में, जीरो। तो आप जब कीबोर्ड से जो वैल्यू डालेंगे वो कहाँ चले जाएगा, ए जीरो पे, यानी कि ये वाला जगह फिल हो जाएगा। उसी तरीके से जब लूप आपका आगे बढ़ेगा और जीरो के बाद ये कितना हो जाएगा, वन, तो अगला वैल्यू आप कहाँ डालेंगे, ए वन पे, ए टू पे, ए थ्री पे, ए फोर पे। इसी तरीके से आप एरे में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है। तो स्टैक का कंसेप्ट होता है कि स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक का हिंदी होता है थाक लगाना। आप अपने घर में बुक्स का थाक लगा के रखते हैं, थक्की लगा के रखते हैं, ठीक है। आप किचन में देखेंगे अपने मम्मी को, वो प्लेट का क्या रखती है, थाक लगा के रखती है, थक्की लगा के रखती है। वो जब प्लेट का थक्की बना के रखती है, या आप अपने बुक का थक्की, ये देखिए स्टैक ऑफ प्लेट हम बना रहे हैं, बहुत सारे प्लेट्स हैं रखे हुए, ठीक है। अब ये जो प्लेट हमने रखा, इस प्लेट रखने के दरमियान हमने क्या किया होगा, ये जो सबसे पहला प्लेट है यही होगा ना, ये क्या मैं प्लेट होगा, दूसरा, ये तीसरा प्लेट होगा, चौथा, पांचवा, एंड सो ऑन। तो आप जब किचन में प्लेट धो के रख रहे हैं तो सबसे पहला प्लेट आपने ये डाला, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, वो चौथा, वो पांचवा, ये ऐसा डाला आपने। अब जब किसी को खाना खाना होगा तो कौन सा प्लेट निकालेगा, पहला या सातवा, तो उठाएगा कौन सा, सातवा, क्योंकि वो पहला उठाने जाएगा तो सारा का सारा प्लेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको बहुत पीटिएगा। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, जो पहले डाला, फर्स्ट में जो डाला वो लास्ट में निकाला, सॉरी गलत हो गया, गड़बड़ थोड़ा, लास्ट इन फर्स्ट आउट हुई हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या है, कहने का मतलब कि जो लास्ट में प्लेट आपने ऐड किया है वो पहले निकला जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम एरे की बात करें तो सबसे पहले कौन सा वैल्यू इनपुट होगा, ये इनपुट हुआ होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कलर चेंज कर लेते हैं, पहले ये यहाँ पे इनपुट होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे इनपुट होगा। तो जो सो लास्ट में इनपुट होगा वो सबसे पहले आपको डिस्प्ले करना है, किसमें, स्टैक में, किसमें, स्टैक में। लेकिन अगर यही एरे होता तो एरे में क्या था, जो पहले इनपुट हुआ है वो पहले आउटपुट होता, जो उसके बाद इनपुट हुआ है वो उसके बाद आउटपुट होता है, तो वो एरे का कंसेप्ट था। लेकिन स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाला पहले, जो लास्ट में आया उसको पहले निकाला जाएगा, ये स्टैक का कंसेप्ट है, ठीक है। ये कहता है स्टैक इज अ फॉर्मली डिफाइंड एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच ऑल इंसर्शन एंड डिलीशन आर मेड एट द वन एंड, और उस एंड को कहते हैं टॉप। ये तो उसकी टर्मिनोलॉजीज है, स्टैक की टर्मिनोलॉजीज, की टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है, पॉप क्या होता है, पुश क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको ये जो वीडियो हमने बनाया है अगर आपको पसंद आया है तो आपको सबसे पहले चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और आगे वीडियो बनाएंगे, और ये जो है आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगा। तो अपने दोस्तों के बीच में इसको सर्कुलेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टार्टिंग हम अगले वीडियो में यहीं से करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।